हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बेसन की सब्जी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब। इसे आप एक बार हमारे तरीके से बना के देखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो की शाही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये रही हमारे बेसन की सब्जी, मज़ेदार। इसे आप चावल रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और इसमें हमने देखिए धनिया की पत्ती से इसे गार्निश कर लिया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट ये बन भी जाता है, टाइम नहीं लगता है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमने बाउल ले लिया है, उसमें हमने 4-5 चम्मच इसमें हमने बेसन ले लिए हैं। अब बेसन को हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, ये हम प्याज वाले और ये हरी मिर्च डाल दी है। प्याज वाले बेसन की सब्जी बना रहे हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, पहले इसमें डाल लेंगे फिर ग्रेवी में अलग से डालेंगे। और ये हमने हल्दी डाल लिया है, जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक थिक सा घोल बनाएंगे। पहले इसे मैश कर लें, फिर उसके बाद ही इसमें पानी डालेंगे जब पानी की ज़रूरत लगेगी। और इसे हमने मैश कर लिया है, पानी इसमें हमने और डालना है क्योंकि हमें घोल टाइप का बनाना है जिससे वो तावे की रोटी जैसी होती है वो बन जाए, चीला जैसा वैसे ही बनाना है। ये देखिए घोल हमारा तैयार हो गया है। इस तरह से घोल रहना चाहिए। और ये हमने तवा गैस चूल्हे पर रख दिया है, तवा गर्म हो गया है, उस पर हमने ऑयल लगा दिया है, तेल लगा दिया है, चारों तरफ अच्छे से लगा दें तेल। और फिर इसे हम एक कलछुल दो कलछुल डाल के इस तरह से पतले पतले करके रोटी जैसा ही बना लें। और ये देखिए हमें इसी कलछुल से ही पतला कर लेना है, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए हमने इसे इसी से ही पतला कर लिया है और इसको इसी तरह रहने देंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि थोड़ा एक साइड से हो जाए, फिर दूसरी साइड से, एक साइड से होने लगा है अब इसे हम इस तरह से रोल कर देंगे। और सारे इसी तरह से हम बेसन के चीले को बनाकर रोल कर लेंगे। और ये देखिए तैयार हो गया है। अब हमने सारे चीले तैयार हो गए हमारे। अब हमने मसाला लेना है पीस के, इसमें हमने 2-3 लाल मिर्च ले लिया है, 4-5 कलियाँ लहसुन का ले लिया है, जीरा डाल दिया है 1/2 चम्मच के लगभग। और इसमें हम डालेंगे सरसों, सरसों वाली ये सब्जी है आप बनाइए, इसके आगे तो मछली खाना भी फेल हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमें बारीक करके पीस लेना है। इस तरह से इसे हमने बारीक कर लिया है। अब कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया था, उसमें जीरा डाल दिया था, थोड़ी सी हींग डाल दी और प्याज डाल के इसे हमने भुना है क्योंकि वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया था। 2 हमने लाल मिर्च तोड़ के डाल दी है ऊपर से, और ये हमने थोड़ी सी हरी मिर्च और डाल दी है, और ये हमने 3-4 करी के पत्ते डाल दिए हैं। अब इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हमने जो मसाले को पीस के रखा हुआ था, सरसों वाला मसाला, इस प्याज के अंदर डाल देंगे। हल्का सा ब्राउन होने के बाद प्याज, ये मसाले को हम इसके अंदर डाल दिया है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और मसाले को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि कोई कच्चापन ना रह जाए। और इसे हमने मैश कर लिया है, देखिए मसाला भी हमारा भुनने लगा है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरीके से भुन जाए। और इसमें हमने थोड़ा सा कलर डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। 1/2 चम्मच के लगभग इसमें डाला है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए सब्जी का कलर चेंज हो गया है। अब इसे हम ग्रेवी, जो मसाला था हमारे अच्छे तरीके से पक गए हैं।
अब इसमें हम पानी डाल देंगे, जितना आपको ग्रेवी के लिए पानी की ज़रूरत है उसको हम ले लेंगे। और इसे हम पानी के साथ मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। और ये हमें इसमें हमें एक खोला आना है, ढक दिया है। एक खोला आने के बाद जो बेसन के चीले के जो बेसन बनाए थे मैंने, उसे हमने कट कर लिया है। अब ये खोल गया है, ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर एक एक करके ये हम डाल देंगे। इसे हमने तिकोने तिकोने में कट कर दिया है, इसे आप जो बनाया था उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें या फिर बड़े में कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे। और बस हल्का सा एक खोला आएगा, हमारी सब्ज़ी बेसन की चीले वाली बेसन की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। इसे हमने हल्का सा ढका आधे मिनट के लिए, और ढकने के बाद ये ग्रेवी खोल गई है। अब इसे हम एक प्लेट में सर्व करेंगे, निकालेंगे। ये देखिए तैयार हो गई है। जब ये ठंडा होता है तो ग्रेवी और गाढ़ी हो जाती है। और ये देखिए हमारे बेसन की सब्ज़ी तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी, और वो ही ठंडे मसाले की है। आप इस तरह से बनाएंगे, सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अलग लगता है। और हरी धनिया की पत्ती से हमने इसे गार्निश कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसे आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।